जोरदार वापसी करते हुए 11 सीट पर जीत दर्ज की। इससे विधानसभा चुनाव में हार के बाद टूट चुके कार्यकर्ताओं और पार्टी में नई जान आई है। डोटासरा ने कहा कि जनता ने 11 सीट पर मोरिया यानी कि मोर बुला दिया है। इसके अलावा और क्या कहा डोटासरा ने, विस्तार से बात की हमारे संवाददाता सुदर्शन शेखावत ने। हाँ, बीजेपी की सरकार के लिए कहाँ पे बन रही है? नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन बन रही है। आप तो कल भी बना रहे थे, कुछ लोग परसों भी बना रहे थे, पहले भी बना रहे थे, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। यहाँ जरूर बीजेपी की सरकार है, तो इनके लिए अब काम ठीक ढंग से करो, जनता के मुद्दों को सॉल्व करो, जनता की समस्याओं का समाधान करो, जन हित के लिए कार्य करो। ये इनके लिए एक तरीके से एक मैसेज होगा। क्या वजह आप मानते हैं ईडी सीबीआई? वो तो सारी चीजें हैं भाई, 10 साल में किया क्या इन्होंने? झूठ बोला, झूठ के अलावा क्या बोला? संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, इसके अलावा क्या किया? और यहाँ 6 महीने में क्या कर लिया? कौन से पहाड़ तोड़ दिए इन्होंने? कुछ नहीं किया। गैंगस्टर फोर्स बढ़ा दी, एंटी गैंगस्टर बढ़ा दी, तो बढ़ा दी तो ये कोई रूटीन के काम है? इसमें क्या है? कोई तीर मार लिया क्या? आपने जनता को क्या लाभ दिया? कितनी भर्तियां कर दी आपने? 6 महीने में कर सकते थे, नौकरियां दे सकते थे, महंगाई कम कर सकते थे, और काम कर सकते थे, किसानों का कर्जा माफ कर सकते थे, वो क्या किया? वो है मूल बात। बड़े बड़े दावे और वादे किए गए, किरोड़ीलाल जी की भी अभी चर्चा चल रही है। तो किरोड़ीलाल जी तो भाई बात के धनी है, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली है और वो इस्तीफा देंगे और वापिस भी नहीं लेंगे, इतना तो मैं जानता हूँ। अब वो आगे कितने विकेट उड़ा पाते हैं, कितनी पर्चियां भी कोई बदल पाते हैं नहीं बदल पाते, वो उनका विषय, हमारा विषय नहीं है। कांग्रेस का इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अंतिम सवाल, आपका फेवरेट डायलॉग है मोरिया बोल गया, अभी आपने बोलिए ना 12-13 को, बोल गो मोरियो बोल गो जी। गिरधर चौधरी के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।